हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर एच एम देवड़ा, एसोसिएट प्रोफेसर मैथमेटिक्स, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज बीकानेर, बीएससी पार्ट सेकंड के थर्ड पेपर में नेक्स्ट टॉपिक इससे पूर्व आपको कैटनरी पढ़ाया गया था। अब आपका टॉपिक आ रहा है फोर्स इन थ्री डायमेंशंस पार्ट फर्स्ट, क्योंकि मैंने इसको पार्ट में तोड़ा है तो आपको इसमें जो है फोर्स इन थ्री डायमेंशन, इसका मतलब आपके तीनों अक्षों पर या तीन विमाओं पर बल ज्ञात करना। अब इसका पहला आपके आर्टिकल ही है। अब आर्टिकल क्या है कि अगर अपने को दे रखा कि एक दृढ़ पिंड में बिंदु पर क्रियाशील बल निकाय का परिणामी ज्ञात करना, इसका मतलब रिजल्टेंट फोर्स ज्ञात करना है और दृढ़ पिंड पर बिंदु है उस पर क्रियाशील बल है। जैसे मैंने आपको बताया, इसमें आपके डायग्राम बनाया है, ये डायग्राम आपको दे रखा है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस को थ्री डायमेंशन में है। अब इस पे बिंदु पी है, पी अगर कुछ दूरी पर अपने पी लेते हैं तो उसकी जो एक्सिस है वो एक्स वन वाई वन जेड वन। अब पी से इस पे लंब डालते हैं और आपका जो नेक्स्ट है एक्स एक्सिस को काटता है उस बिंदु पे, और इनके बीच की जो दूरी है वो वाई टू है, ये एक्स वन, ये आपको डायग्राम में मैंने डिटेल दिया है। माना कोई स्वच्छ बिंदु O को मूल बिंदु तथा परस्पर लंबवत रेखाओं को OX, OY, OZ जो है आपके निर्देशी एक्सेस है, कोऑर्डिनेट एक्सेस कहलाती है। जो पिंड पर किसी बिंदु P X1, Y1, Z पर कोई बल क्रियाशील है जिसके अक्षों के समांतर घटक आपके X1, Y1 और Z1 है। X अक्ष के समांतर घटक X1 है, Y अक्ष के समांतर घटक Y1 है और Z अक्ष के समांतर घटक Z1 है। यदि समतल XOY पर P से लंब PL तथा L को X अक्ष पर लंब LM तथा Z अक्ष के समांतर NMQ खींचा गया तो CZ, CZ'MN तथा MQ के अनुदिश समान बल Z क्रियाशील है। PZ1 एवं MQ के अनुदिश क्रियाशील बल Z एक बल युग्म है तो आगुण होगा बल इंटू उनके बीच की लंबवत दूरी, तो Z1.LM बराबर, और LM का मान आपने स्मॉल Y1 है तो Z1 Y1, जिसकी Y अक्ष से Z अक्ष की दिशा में घुमाने वाली की प्रवृत्ति होती है, अर्थात ये कौन सी दिशा होगी, पॉजिटिव दिशा होगी, क्रियाशील है तथा जिसका अक्ष X अक्ष के अनुदिश है, साथ ही वह और Z' तथा MN के अनुदिश क्रियाशील बल Z1 एक बल युग्म बनाती है तो आगुण हो जाएगा Z1 इंटू O'Y या Z1 X1, जिसका अक्ष वाई अक्ष के अनुदिश है तथा उसकी अपोजिट दिशा है, इसका मतलब ये नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो बल युग्म की एक्स अक्ष से जेड अक्ष की दिशा में घुमाने की प्रवृत्ति होती है तो पी पर क्रियाशील बल घटक Z1 निम्न के तुल्य होगा, एकल बल Z1 के, बल युग्म आगुण Y1 Z1 जो OX का परित है और एक बल युग्म का आगुण X1 Z1 OY का परित है। बिंदु पी पर क्रियाशील बल का घटक अगर X1 निम्न के तुल्य है तो देखो पहले लिया मैंने अपने कौन से अक्ष पर, अब यहाँ पे तो एकल बल X1, बल युग्म आगुण Z1 X1 और बल एकल बल युग्म का आगुण OZ के परित स्मॉल Y1 X पर। इसी प्रकार पी बिंदु पर क्रियाशील बल घटक का Y1 निम्न के तुल्य है तो पहले Z1 के तुल्य लिया है, फिर X1 के तुल्य लिया है, फिर Y1 की, तो एकल बल Y1 हो गया, बल युग्म आगुण हो गया स्मॉल X1 Y1 OZ के परित और बल युग्म जिसका आगुण है स्मॉल Z1 Y1 OX के परित। तो आपको 1, 2, 3 पर ये आधारित बल के घटक है वो X1 Y1 Z1 निम्न के तुल्य हैं तो अपने इसको एक कंबाइंड फॉर्म में लिखना चाहें तो आपके X Y Z के लेते हैं तो X1 Y1 Z1 क्रमशः OX OY और OZ के अनुदिश है, बल युग्म है Y1 स्मॉल Y1 कैपिटल Z1 स्मॉल Z1 कैपिटल Y1 OX के परित, दूसरा स्मॉल Z1 कैपिटल X1 माइनस स्मॉल X1 कैपिटल Z1 OY के परित, और फोर्थ आपका इसका आएगा बल युग्म जो Y1 स्मॉल X1 कैपिटल Y1 माइनस स्मॉल Y1 कैपिटल X1 OZ के परित। इसी प्रकार अन्य बिंदु, तो अपने यहाँ पे पी बिंदु के कोऑर्डिनेट हैं X1 Y1 Z1 के सापेक्ष अपने क्रियाशील बल और उसके तुल्य अपने X1 Y1 Z1 के अनुदिश निकाला है, XYZ के अनुदिश, तो वो X1 Y1 Z1 के अनुदिश आ गए। इसी प्रकार अन्य बिंदु अगर अपने Q लेते हैं X2 Y2 Z2 पर क्रियाशील बलों के घटक अगर इस कैपिटल X2 कैपिटल Y2 कैपिटल Z2 भी OX OY OZ के अनुदिश हो
तो बल युग्मों के सापेक्ष अवगुणों के प्रतिस्थापित किया जाता है। इस प्रकार संपूर्ण निकाय जो है निम्न के, तो ओ एक्स का अनुदिश होगा, तो आपका एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री कैपिटल चल रहा है, तो इसको लिखेंगे समेशन ऑफ एक्स वन, और इसको एक्स मान लिया। ओ वाई का अनुदिश करेंगे तो कैपिटल वाई वन प्लस वाई टू, तो इसको समेशन ऑफ वाई वन, इसको वाई मान लिया। और ओ जेड का अनुदिश बल लेंगे तो कैपिटल जेड वन प्लस जेड टू प्लस जेड थ्री, इस टाइप से इनका योग करेंगे तो समेशन ऑफ जेड वन इक्वल टू जेड मान लिया। ओ एक्स के परित एक बल युग्म जिसका आघूर्ण, तो समेशन ऑफ स्मॉल वाई वन कैपिटल जेड वन माइनस स्मॉल जेड वन कैपिटल वाई वन, इसको एल माना है। ओ वाई के परित अगर बल युग्म आघूर्ण लेंगे तो समेशन स्मॉल जेड वन कैपिटल एक्स वन माइनस स्मॉल एक्स वन कैपिटल जेड वन, इसको एम माना है। और ओ जेड के सापेक्ष अगर लेंगे तो समेशन स्मॉल एक्स वन कैपिटल वाई वन माइनस स्मॉल वाई वन कैपिटल एक्स वन एन माना है। अर्थात तीन बल है आपका कैपिटल एक्स वाई जेड तथा सभी ओ पर क्रियाशील है। यदि एक बल आर जो ओ पर क्रियाशील है, तो परिणाम आप पीछे पढ़ चुके हो फर्स्ट चैप्टर में, आर स्क्वायर इक्वल टू वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, उसमें टू डायमेंशन था, इसमें थ्री डायमेंशन है। एवं आर की क्रिया रेखा की दिक हो जाए एक्स अपॉन आर, वाई अपॉन आर और जेड अपॉन आर। यदि तीन बल युग्म एल एम एन एक बल युग्म के तुल्य है, तो जिसका अवगुण जी है, तो जी स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, पूरे चैप्टर में पढ़ चुके हैं। एवं जी की क्रिया रेखा की दिक हो जाए एल अपॉन जी, एम अपॉन जी और एन अपॉन जी। संक्षेप में संयुक्त निकाय को अपने को एक्स वाई जेड और एल एम एन। तो इस चैप्टर में आपको क्या ध्यान रखना है, ये जो मैंने निकाले हैं आपके अवगुण और आपकी दिशा, इन्हीं का और आर स्क्वायर परिणाम निकालना है, तो आर बराबर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब कैपिटल एक्स क्या है, समेशन ऑफ एक्स वन, इनके एक्स दिशा में जो भी हैं, कैपिटल वाई वन है समेशन ऑफ वाई वन, और कैपिटल जेड वन समेशन ऑफ जेड वन है। अब आता है एक सरल रेखा के प्रति बल अवगुण क्या करना। यदि एक बल एक रेखा के सापेक्ष अवगुण बल, अवगुण बल का रेखा के लंबवत घटक तथा बल की रेखा के मध्य न्यूनतम दूरी का गुणनफल होता है, जैसे बल का ओ एक्स के परित अगुण का योग हुआ, तो आपके वही वापस स्मॉल वाई वन कैपिटल जेड वन माइनस स्मॉल जेड वन कैपिटल वाई वन, इसको माइनस वाले को सेकंड में लिख दें और फर्स्ट में, तो आपका वो अगुण आ जाएगा ओ एक्स के सापेक्ष जो अपने एल माना है वो का वही रहेगा। सबसे इम्पोर्टेंट यह है कि एक दृढ़ पिंड की साम्यावस्था में का सामान्य प्रतिबंध लिखिए। तो आपको दृढ़ पिंड की साम्यावस्था की सामान्य प्रतिबंध क्या है, जो आपने पीछे अपने दोनों फॉर्मूले किए हैं, यदि एक पिंड पर क्रियाशील बल निकाय का एकल बल आर तथा बल युग्म आघूर्ण जी हो, तो सम्मानित किया जाता है, तो आर स्क्वायर इक्वल टू कैपिटल एक्स स्क्वायर प्लस वाई कैपिटल वाई स्क्वायर प्लस कैपिटल जेड स्क्वायर तथा जी स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। किसी भी परिस्थिति में एकल बल आर तथा बल युग्म जी साम्यावस्था में नहीं होने पर, ये तो साम्यावस्था में होने पर है, अगर नहीं होता है तो आर और जी का अलग अलग मान शून्य होगा। तो आर स्क्वायर आर इक्वल टू जीरो है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू जीरो, तो इन सब को अलग अलग जीरो के बराबर करेंगे, तो एक्स बराबर वाई बराबर जेड बराबर जीरो तथा जी स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, क्योंकि साम्यावस्था में नहीं है, तो ये भी जब जीरो है तो ये भी आपके इसके बराबर ही होगा। और इसके अनुसार अपने चलेंगे तो एल का मान भी जीरो प्लस एम का मान भी जीरो और एन का मान भी जीरो होगा। अर्थात बल निकाय का निर्देशी अक्षों के समांतर वियोजित भाग का अलग अलग शून्य होना चाहिए, साथ ही तीनों अक्षों के परित अवगुणों का योग भी अलग अलग शून्य होना चाहिए। सबसे उसके बाद में आपका आता है पॉइसनेट सेंट्रल एक्सियस, पॉइसन केंद्रीय अक्ष क्या है, इसका क्वेश्चन भी है और इसका कथन भी है, या इसको स्टेट एंड प्रूव पॉइसन सेंट्रल एक्सियस थ्योरम। तो कथन मैंने लिखा है, इसका स्टेटमेंट, सिद्ध कीजिए कि एक पिंड पर क्रियाशील बल निकाय एक बल तथा एक बल युग्म को समानित होता है जिसकी अक्ष बल की दूरी दिशा में संपाती हो। तो इसके जैसे ऊर्ध्वाधर घटक क्षैतिज घटक मैंने डायग्राम में दिखा है, अगर इसको रोटेट करते हैं तो ये जी साइन थीटा, इसका क्षैतिज अक्ष से रोटेट होता है, ये जी कोस थीटा, इस पर क्रियाशील बल आपके एक्स आर दे रखा है, और ये जो आपकी कहलाती है, ये आप जो तीसरा डायग्राम दिया है उसमें पॉइसनेट केंद्रीय अक्ष कहलाती है। तो इसको मैंने डिटेल में लिखा है, माना एक बल निकाय पर स्वेच्छ बिंदु ओ पर क्रियाशील बल आर तथा एक बल युग्म समानित होता है जिसका ओ से गुजरने वाली रेखा परित अवगुण जी होता है। तो आर की दिशा ओ ए और बल युग्म जी का अक्ष ओ बी के अनुदिश है, तो ओ ए से कोण थीटा बनाती है, तो तल ए ओ क्यू में ओ से ओ ए के लंबवत
ओसी खींचने पर ओए, ओबी तथा ओसी सभी समतलीय है। समतलीय होने का मतलब एक ही तल में स्थित है। तो ओए के परित घटक होगा जी कोस थीटा, ओसी के परित घटक होगा जी साइन थीटा होगा। द्वितीय बल जी साइन थीटा जो अक्ष ओसी के परित है तथा समतल एओडी के लंबवत क्रियाशील है, तो इसे दो समान तथा असमान समांतर बलों के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो समतल एओडी के आघूर्ण जी साइन थीटा होगा। माने इसमें एक बल आर है जो ओ पर ओए के विपरीत दिशा में क्रियाशील है, तो अन्य बल ओ से ओडी की दूरी पर ओ ओ डैश पर ओए के समांतर आर डॉट, क्योंकि ओ ओ डैश बराबर जी साइन थीटा, तो ओ ओ डैश बराबर जी साइन थीटा बटा आर, ये समीकरण एक होगी। अब अगर अपने ओ पर कार्यरत बल आर को माइनस आर संतुलित होता है, मतलब आर को क्रियाशील बल जो है उसकी विपरीत दिशा कर दें तो माइनस आर संतुलित होता है, तो शेष बल आर ओ डैश ओ ए डैश के अनुदिश तथा बल युग्म जी कोस थीटा की अक्ष ओए के परित है, तो इसके समांतर ओ डैश ए डैश पर स्थानांतरित करने पर तो निकाय बल जो है आर जो है ओ ए डैश के अनुदिश होगा तथा बल युग्म जी कोस थीटा ओ डैश ए डैश के परित होगा। शॉर्ट आंसर टाइप में आपके पूछ सकते हैं पॉइसन केंद्रीय अक्ष के अभिलक्षण कीजिए या इसके करेक्टरिस्टिक्स लिखिए। तो अभिलक्षण में क्या है, बलों के निकाय का केंद्रीय अक्ष यूनिक होता है और परिणामी बल युग्म का केंद्रीय अक्ष के सापेक्ष आघूर्ण बिंदु ओ के संगत परिणामी बल युग्म का आघूर्ण है, क्योंकि जी कोस थीटा सदैव जी से हमेशा कम होता है। और आपको आ रहा है एक बल निकाय का एकाकी बल में सम्मानित होने का प्रतिबंध। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं शॉर्ट आंसर टाइप के। तो माना निकाय एक स्वच्छ बिंदु ओ पर क्रियाशील एकल बल आर तथा बल युग्म जी में समानित होता है, तो यदि बल आर तथा बल युग्म जी के अक्ष के मध्य कोण थीटा हो तो आर निम्न के तुल्य होगा। तो बल आर कोस थीटा है वो बल युग्म के अक्ष ओ बी के अनुदिश होगा, आर साइन थीटा है वो बल युग्म ओ एल ओ बी के लंबवत होगा। वह बल निकाय एकल बल में समानित होने के लिए आवश्यक प्रतिबंध यह है कि आर कोस थीटा बराबर जीरो, इसका मतलब ओ बी के अनुदिश बल युग्म है उसका मान जीरो होगा। नहीं तो आर कोस थीटा बराबर जीरो, आर कभी जीरो नहीं हो सकता क्योंकि परिणामी है, तो कोस थीटा बराबर जीरो। और कोस थीटा बराबर जीरो तो आपने त्रिकोणमिति से पढ़ चुके हैं कि कोस 90 होता है, तो थीटा का मान 90 हो गया, अर्थात इसकी दिक हो जाए एक्स बटा आर, वाई बटा आर और जेड बटा आर तथा एल बटा जी, एम बटा जी और एन बटा जी वाली सरलरेखा के मध्य कोण 90 डिग्री होना चाहिए। तो अपने जब दो अपने को ये दिक ओजें दे रखी है L1 M1 N1 और L2 M2 N2, तो जब ये दोनों परस्पर लंबवत हो तो आपने पढ़ाया L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इक्वल टू जीरो। तो LMN का L1 का मान M1 का, N1 का, L2 M2 N2 इनका मान रखेंगे तो x अपॉन आर डॉट L अपॉन जी प्लस y अपॉन आर M डॉट जी एम अपॉन जी प्लस जेड अपॉन आर एन अपॉन जी बराबर कोस 90। तो इसका सबका एलसीएम आर जी आ रहा है, तो आपके LX प्लस MY प्लस NZ इक्वल टू जीरो, ये आपके एकल एकाकी बल में समानित होने का प्रतिबंध कहलाता है। नेक्स्ट आपकी इसकी छोटी डेफिनेशन है कि रेंच या तथा स्क्रू, एकल बल F तथा बल युग्म जी कोस थीटा निकाय को रेंच कहते हैं तथा बल R रेंच की तीव्रता कहलाती है तथा जी कोस थीटा को पॉइसनेट आघूर्ण कहलाता है, इसे के द्वारा व्यक्त कहता है। तो रेंच का पिच पी स्मॉल पी बराबर के अपॉन आर, अर्थात के अपॉन आर को रेंच का पिच कहलाता है। लास्ट में आपका आता है इनवेरिएंट। इनवेरिएंट का मतलब अपरिवर्तनीय, जैसे किसी को अगर मान रखने पर वो अपरिवर्तन होता है तो वो कहलाता है आपका इनवेरिएंट। तो किसी बल निकाय के मूल बिंदु तथा अक्षों के चयन किसी भी प्रकार से करने पर राशियाँ x² प्लस y² प्लस z² तला LX प्लस MY प्लस NZ का मान अपरिवर्तन होता है तो वह आपकी अपरिवर्तनीय कहलाता है, जहाँ कैपिटल X बराबर समेशन ऑफ XR तथा L बराबर समेशन ऑफ YR स्मॉल कैपिटल ZR माइनस स्मॉल ZR कैपिटल YR होता है। तो इस प्रकार ये जो आपको टॉपिक मैंने बताया है, इस टॉपिक में आपको क्या दिया है कि थ्री फोर्स इन थ्री डायमेंशन आपको बताया है। तो इसका नेक्स्ट जो पार्ट है वो आपको नेक्स्ट लेस डे आपको इसका सेकंड पार्ट बताएंगे। तो मैंने हर टॉपिक में दो दो तीन तीन पार्ट इसलिए किए हैं क्योंकि एक पार्ट में करने पर अपने बहुत लंबा टॉपिक हो जाता है और उसको समझाने में या पढ़ाते हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम लग आपको भी लगेगा, इसलिए मैंने इसको क्या है शॉर्ट आंसर टाइप में और इसको पार्ट्स में किया है। तो नेक्स्ट जो है आपका नेक्स्ट डे आपको इसका आगे का पार्ट पढ़ाया जाएगा। इसमें किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो
या जो भी हो, क्योंकि इसके क्वेश्चन भी मैंने आगे नेक्स्ट में दिए हैं। तो अभी तो आपके क्या चल रहा है, आर्टिकल, आर्टिकल के बाद में एग्जाम्पल भी है और मैंने अनसोल्व क्वेश्चन भी सोल्व किए हैं जो पिछले पेपरों में आपसे पूछा गया है। थैंक यू।